हेलो 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 अशोक, हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ मम्मी? अरे तविश, कुछ नहीं हुआ। और बेटा तू अब तक यहाँ खड़ा है, तेरी स्कूल बस आने वाली है ना? हाँ जल्दी कर। फोन किसका था? पापा का। कुछ पता चला क्या? बेटा पापा आ जाएंगे। इतने देरों से ना तो उनका कोई फोन आया और ना ही कुछ पता चला। बेटा पापा टूर के लिए जाते रहते हैं ना, आपको पता है ना? तो पापा आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ओके चलो जाओ, देखो बस भी आ गई। आप पापा को ढूंढना ही नहीं चाहते? अरे तविश, पापा अशोक का 3 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा और उसका फोन भी बंद जा रहा है और पता नहीं प्राइवेट नंबर से ना कोई बार बार मुझे कॉल कर रहा है, कोई बोलता भी नहीं है। ये कैसे टूट गया? हेलो पापा, मेरी कार का कांच टूट गया। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं बताओ ना। जितना मुझे मालूम था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मेरी बेटी आती ही होगी, वो आपको सारी डिटेल बता पाएगी। पापा मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, तुम भी बता दो क्या हुआ है। ये मेरी बेटी है रिया गहलोत। सर आज सुबह किसी ने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया। सर बिल्कुल नई गाड़ी। मैं आपके मिसिंग हस्बैंड के बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे कब से घर नहीं आए? सर वो तो 3 दिन से घर नहीं आए। करते क्या है? सर रियल एस्टेट का बिजनेस है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा। हाँ हाँ, आप लोग बातचीत जारी रखिए। और सर कोई ना मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहा है बार बार, सर कुछ बोलता भी नहीं है। हाँ मैंने इंस्पेक्टर को कंप्लेन लिखवा दी है, वो कह रहे थे कि लड़के गए तो आ जाएंगे। जो तुम्हें मिस कॉल आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहा? हाँ वो मिस कॉल, वो कह रहे थे कि प्राइवेट नंबर को ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करेंगे वो। मुझे उस इंसान का रत्ती भर भी यकीन नहीं है। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की है और अब नतीजा? नतीजा क्या कहना चाहते हैं पापा आप? फिर शुरू हो गए ना पापा। 7 साल हो गए अशोक और मेरी शादी को और 6 साल का तविश है, आप फिर भी उसके पीछे लगे रहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? इंस्पेक्टर कह रहा था कि ऐसे केसेस में अक्सर दूसरी औरत होती है। देखो रिया अभी भी वक्त है, इट्स नॉट टू लेट। आप मुझे और अशोक को अलग करने में क्यों लगे हुए हैं पापा? क्योंकि वो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं, ना है। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। पापा आई मैनेज, आप जाइए। रिया रिया, देखो रिया अभी भी वक्त है, इट्स नॉट टू लेट। ऐसे केसेस में अक्सर दूसरी औरत होती है। रिया का पति पिछले 3 दिनों से गायब है, उसका फोन भी बंद आ रहा है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। रिया के पिता ने दामाद की मिसिंग कंप्लेंट तो लिखवा दी है, लेकिन दामाद को लेकर ससुर के मन में कड़वाहट, 3 दिन तक रिया का चुप रहना और किसी अनजान का छिपकर रिया की गतिविधियों पर नजर रखना मामले को उलझा रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि रिया के बेटे तविश को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी माँ उसके पिता को ढूंढना ही नहीं चाहती है। क्या अशोक की जिंदगी में रिया के अलावा कोई दूसरी औरत भी है? कहीं अशोक की गुमशुदगी में अवैध संबंध का तो कोई एंगल नहीं? या फिर असल सच
उम्मीद से भी ज्यादा चौंकाने वाला कोई राज अपने भीतर छिपाए बैठा है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब अरुणा तुमने पासवर्ड क्या किया? नहीं मैम, मैंने सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए पर एक भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं हुआ। पता नहीं अशोक सर ने कौन सा कॉम्बिनेशन डाला है। अशोक सर का कुछ पता चल जाता तो। यही तो प्रॉब्लम है अरुणा, अशोक कहाँ है किसी को नहीं पता है। और सब कुछ वही जानता था, सारे पासवर्ड्स एवरीथिंग। अशोक कहाँ है? देखो रिया, ये मेरा ऑफिस है, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा ऑफिस है? ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है। और अशोक कहाँ है? 3 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। कान बंद है तुम्हारे? आखिरी बार पूछ रही हूँ, अशोक कहाँ है? क्या आखिरी बार? क्या आखिरी बार? अपनी आवाज नीचे रख। तुम अपनी आवाज नीचे रखो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि अशोक के गुम होने की उतनी ही फिक्र मुझे भी है जितनी तुम्हें है। ओहो हो, फैंटास्टिक। तो तुम्हें भी अशोक की फिक्र है। देखो, इसे मेरे हस्बैंड की फिक्र है। कौन है अशोक तेरा? हाँ, कब शादी कर रही है तू अशोक से? क्या प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की? Shut up, Riya. Just shut up. You shut up. I said, अपना मुंह बंद रख। ये जो बिल्ली जैसा मुंह है ना, तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। Riya, ma'am, stop it, please, ma'am, stop it. Please. तुम दूर ही रहो। Get back to work. रिया, I'm sorry, मैं वो सब नहीं कहना चाहती थी। जिसका पति 3 दिन से गायब हो ना, वही जान सकता है उसका दुख, समझी तुम? ये इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि तुम ऐसे किसी पे इल्जाम लगाओगी। देखो रिया, होश से काम लो। अशोक 3 दिन से गायब है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। क्या पता वो किसी मुसीबत में हो। हेलो रिया जी, मैं इंस्पेक्टर प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। वो अशोक की गाड़ी मिली है हाईवे के पास वाले जंगल में, तो आप जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आ रही हूँ। रिया क्या हुआ? रिया रिया मुझे रिया मुझे अशोक की कार है, अशोक का है। देखिए जब इस कार के बारे में हमको खबर मिली तो अशोक, सिंपल पूछो ना इसे अशोक का है। हरिया मैं बात करती हूँ, प्लीज काम डाउन। इंस्पेक्टर साहब, अशोक, मिसेस गहलोत, मिस्टर अशोक गहलोत के कार के बारे में हमको जानकारी मिल गई है, पेपर भी है। पर क्या इंस्पेक्टर साहब, बोलिए ना क्या हुआ है। पर क्या इंस्पेक्टर साहब, आई मीन हमको अभी भी ये नहीं मालूम कि अशोक जी की कार यहाँ पर क्यों है। आप लोग एक काम करिए, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। ठीक है, आइए। अंकल ये आदमी कौन था? पापा वो आदमी कौन था जिसे आप
लड़ रहे थे? उससे अशोक ने 2 करोड़ रुपए उधार ले रखे हैं और पिछले 4 महीनों से किश्त नहीं चुकाई है। वो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं एक घर नीलाम करवा दूंगा। अरे मैंने भी उसे वार्निंग दे दी, मैंने कहा वो घर मेरी बेटी और पोते का है, उस पे हाथ मत लगाना। पापा, अशोक ने 2 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है, पर उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं, यहाँ तक सिंपी ने भी कभी नहीं बताया। अरे सिंपी क्यों बताएगी तुम्हें, तुम भी बहुत भोली हो, दोनों की मिली भगत है, इतना नहीं समझती हो। तुम तो नाम की पत्नी हो उसकी, असली पत्नी तो वो सिंपी। पापा स्टॉप द कार, और फिर से वही बात शुरू कर दी आपने। अरे अशोक लापता है रिया। लापता है तो इसका क्या मतलब है? प्रार्थना करो भगवान से कि पुलिस को अशोक की लाश ना मिले। टेस्ट हुआ था, उसमें मुझे 70% मार्क्स मिले। किसे चैट कर रहा है तू? बोल। हाँ? किससे चैट कर रहे थे? बोलो। पापा से। क्या खेल खेल रहे हो बाप बेटा मिलकर? हाँ? बोलो। मैं पापा को रोज मेल डालता हूँ पर वो जवाब नहीं देते, लेकिन एक दिन जरूर जवाब देंगे, वो मेरे पापा है। देंगे जवाब। हेलो हेलो। हाँ सिंपी बोलो। अशोक। अरे बोल ना सिंपी। क्या हुआ? अशोक की लाश मिली है। क्या? अशोक। क्या हुआ अरुणा? इंस्पेक्टर सर बोल रहे हैं कि जब तक रिया मैम बॉडी नहीं देख लेते तब तक हम में से किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बात करती हूँ, आओ। डेड बॉडी हमें जहाँ कार मिली थी वहां से 2 किलोमीटर दूर जंगल में, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है, शिनाख्त कर लीजिए। संभालो अपने आप को। अशोक नहीं है, ये अशोक हो ही नहीं सकते। अशोक की पीठ पे दिल है, लेकिन इस आदमी की पीठ पे दिल नहीं है, ये अशोक नहीं है। रिया, रिया मेरी बात सुनो। रिया मेरी बात सुनो, रिया मेरी बात तो सुनो एक बार। रिया क्या बात सुनूं मैं तेरी? हाँ अफेयर है तेरा मेरे पति के साथ? रिया हम इस बारे में कहीं और चल के बात करते हैं, प्लीज यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? ताकि इन्हें ना पता चल जाए कि तू क्या है। तुझे कैसे पता कि मेरे पति की पीठ पे तिल है? आखिर तो उसकी लगती क्या है? हाँ बोल, क्या लगती है? गर्लफ्रेंड लगती है, बीवी लगती है, या फिर
तो सुनो मिया, ये सुनो मिया, सुनो ना। क्या सुनो मैं तुम्हारी बात? हाँ अच्छी बात है ना, वो लाश अशोक की नहीं थी। और तुम रो क्यों रही हो फिर? रो नहीं तो क्या करूँ बता। हाँ जिस औरत के पति की पीट का तिल दूसरी औरत को बताओ वो क्या करे। रिया एक्चुअली एक साथ काम करते करते हम एक दूसरे से कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। हो सकता है कि शायद जो मुझ में देखते थे वो तुम्हें नहीं मिला। उन्हें मुझ में नहीं मिला? तुझे पता है मैंने उसे क्या दिया है? मैंने उसे बच्चा दिया है तवेश। रिया ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना, तुम मेरी बात तो सुनो एक बार। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ मेरे पति दूसरी औरत में वो ढूंढते थे जो मुझ में नहीं है। हाँ और मैं अपने पति की कितनी फिक्र करती हूँ। आ तेरे साथ सेल्फी ले लूं। क्या कर रही हो रिया? सॉफ्टन और सहेली ये क्या कर रही हो? ये स्टॉप इट। क्या ये बकवास? फोन दे मेरा। हाँ डोंट टच माय फोन ओके। स्टूपिड वुमन। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, सबकी जान को खतरा है, पुलिस को भी मत बताना और रिया को तो बिल्कुल नहीं। लव यू। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, नहीं तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। किसी को फोन मत करना, खास तौर से सिंपी को भी नहीं। सिंपी से दूर रहो। आई लव यू। रिया मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम और अशोक मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? हाँ फोन मत करना आगे से मुझे। देखो मैं सारी बात समझ रहा हूँ तुम्हारी, लेकिन जब तक अशोक नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो कब तक आएगा अशोक? मैं कैसे बता सकता हूँ। हेलो हेलो अंकल, मैं सिम्बी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। अंकल मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। अरे पर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता अंकल। क्या हुआ मैम? ऑल ओके? अरुणा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिया फोन नहीं उठा रही है, क्लाइंट्स को डिलीवरीज देनी है और बैंक बार बार फोन कर रहा है। टोटल 20 करोड़ का अमाउंट है। समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, ऊपर से अशोक का भी कुछ नहीं पता है। मैम आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अब मैम क्या सच में आपका और अशोक सर का अफेयर था? इंटर्न हो ना, इंटर्न की तरह बिहेव करो, समझी? इंटर्न हूं पर समझ सब रही हूं। मुझसे स्मार्टनेस। गेट बैक टू वर्क, लीव नाउ।
मैं तुमसे कब से बात करना चाह रही, तुम मेरा फोन क्यों उठा रही हो? पापा और तबिश का कुछ पता नहीं चल रहा, अब पुलिस आई है घर में। रिया रिया तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ पता नहीं चल रहा, और मैंने स्कूल में फोन किया, उन्होंने कहा कि वो ऑटो करके घर चला गया, तो ऐसे शाम हो गई, अभी तक नहीं आया वो। तुमने अंकल से बात करी, उन्हें पता होगा इस बारे में? मैंने पापा को फोन किया, उनका फोन तो नॉट रीचेबल जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, अंकल से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। तुम रुको, मैं उन्हें ट्राई करती हूँ फोन। प्लीज आपने घर के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं? नहीं सर, और ये सब काम तो अशोक करते हैं। सर घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फुटेज निकालो। यस सर। मॉनिटर कहाँ है? आप तो कह रही थी घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। सर फुटेज निकल रहा है, और यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं वो वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ कोई मॉनिटर नहीं। एक सेकंड सर, अशोक अपने मोबाइल से सारे सीसीटीवी कैमरास को ऑपरेट करता था ऑफिस में बैठकर। ये मामला हर गुजरते पल के साथ और उलझता जा रहा है। रिया इस बात से बेखबर थी कि उसके घर में एक नहीं 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और उन्हीं के जरिए उसकी हर गतिविधि ट्रैक की जा रही है। अशोक का अपने ऑफिस में काम करने वाली सिंपी के साथ अवैध संबंध था, तो क्या ये अवैध संबंध ही इस साजिश की जड़ में है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अशोक सिंपी की नजरों से भी ओझल क्यों है? क्या रिया और सिंपी को एक जैसा मैसेज अशोक ने ही भेजा है? कौन है वो व्यक्ति जो सिंपी और रिया की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है? क्या रिया वक्त रहते अपने पिता और बेटे को ढूंढ पाएगी, या फिर परिवार के 3 सदस्यों का अचानक यूं गायब हो जाना किसी बहुत बड़ी साजिश का संकेत है? क्या कुछ नहीं दिया अशोक को मैंने, उसे वो सब सुख दिए जो एक बीवी देती है, और उसने क्या दिया? धोखा, वो भी तुम्हारी जैसी लड़की के लिए। और अगर अशोक मेरे साथ खुश नहीं था तो मैंने उसे बांध के तो रखा नहीं था ना, चला जाता वो तुम्हारे पास। देख सिंपी, तू ऐसा कर, मुझे मेरा तविश वापस कर दे और रख ले अपने अशोक को अपने पास। स्टॉप इट रिया, स्टॉप इट। मैं मानती हूँ कि मैं अशोक से प्यार करती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा है। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं तुम्हारी या तविश की जिंदगी बर्बाद कर दूँ और अपना घर बसाऊँ। तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मुझे नहीं पता कि अशोक कहाँ है, तविश कहाँ है, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए तविश, समझ में आ रही है तुम्हें? या मुझे नहीं पता कि तविश कहाँ है। कहाँ गया तविश फिर? मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही ये वीडियो क्लिप किसी को दिखाना, वरना मेरी जान भी जा सकती है। रिया ये वीडियो मैं इंस्पेक्टर को दिखाने होगी अभी, चलो। नहीं, ये मैसेज हम इंस्पेक्टर को नहीं दिखा सकते, इससे तविश की जान को खतरा है। और मैं जानती हूँ तुम और अशोक ये मिलकर गेम खेल रहे हो। रिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अंदर
मैं काम करने आई तो दरवाजा को खोला तो देखा यहाँ पे पड़ा हुआ था। अशोक की शर्ट। मैंने कहा था मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना, मेरी जान खतरे में हो सकती है। जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तो मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। हारियो अशोक मर गया। सिमती इतना आसान नहीं है सिंपी, बैंक का इतना कर्जा, क्लाइंट्स का मुझ पर इतना पैसा लगा हुआ है, अगर मुझे कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, घर ये ऑफिस सब, मैं तो चाहकर भी मर भी नहीं सकता। अशोक मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम बिजनेस और घर एक साथ कैसे मैनेज करते हो, ना तुम ऑफिस में टाइम बताते हो और ना ही घर पर, लेकिन तुम्हें पल पल की खबर रहती है, कहीं तुमने कोई जासूस लगा रखा है? यही समझ लो। मैंने कहा था मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना, वरना मेरी जान खतरे में हो सकती है। जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। रिया हमें इस बारे में इंस्पेक्टर को बताना होगा। नहीं नहीं हम ये सब नहीं कर सकते, तवेश और पापा की जान खतरे में, मैंने तो रेवती को भी गांव भेज दिया है, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, हमारे तो कोई भी दुश्मन नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा सिंपी मैं क्या करूं। सिंपी हम कब तक यहाँ रहेंगे? बस चुप कर जाएगा, ये तो बहुत बहादुर बच्चा है ना। नाना जी मुझे मम्मी के पास जाना है। सिंपी अशोक मर गया। सिंपी मेरी नजर 24 घंटे सब पर रहती है, मेरी नजर 24 घंटे तुम पर रहती है, मैं तो आसानी से मर भी नहीं सकता।
अंकल ताबिश आप लोग यहाँ पर? रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकल आप और ताविश कहाँ थे, कौन ले गए आप लोगों को, अब कैसे आए वापस? वो लोग थे जिनसे अशोक ने 2 करोड़ उधार लिए थे। उन लोगों की नजर हम पे 24 घंटे थी। हमें किडनैप करने से पहले उन लोगों ने काफी निगरानी की हमारी। उसने पूरी कोशिश की मुझसे अपने पैसे निकलवाने की, जब मैं नहीं माना तब उन्होंने तबीश और मुझे किडनैप करा लिया। सुन, अशोक कुत्ता था, कमीना था, मर गया, जान छूटी, तुम्हारी भी और हमारी भी। अब तुम यहाँ क्या खड़ी हो? हाँ, ये कहानी ना अशोक से शुरू हुई थी और अशोक में खत्म हो चुकी है। समझ में आया तुझे? तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रिया मेरी बात तो सुनो। I said get out. अभी निकल यहाँ से। Go. डफर कहीं की। अशोक कुत्ता था, कमीना था, मर गया, जान छूटी। ये कहानी ना अशोक से शुरू हुई थी और अशोक में खत्म हो चुकी है। मैंने तुम्हारा मैसेज तुम्हारे आने से पहले ही पढ़ लिया था। अशोक जिंदा है और वो हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। घर और ऑफिस में उसने सीसीटीवी कैमरा से हम पर नजर रखी हुई है। तुम घर में कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिसे उसे इस बात का शक हो कि हमें उसकी चाल का पता चल गया, समझी? ऐसा तुम्हें कैसे पता चला कि अशोक जिंदा है? हाँ, शायद मैं अशोक को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अच्छा, एक्चुअली जब मैं अरुणा के कंप्यूटर पे बैठी थी तो मैंने उसका पासवर्ड क्रैक कर लिया। तब मुझे पता चला कि अरुणा और अशोक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और अरुणा ने अशोक के कहने पे 20 करोड़ का अमाउंट किसी गुमनाम से अकाउंट में ट्रांसफर किया जो कि बैंक को जाना था। यानी कि अशोक ने 20 करोड़ का घपला किया और तविश का किडनैप भी उसी ने किया? नहीं, तविश और अंकल का किडनैप किसी रघु नाम के बंदे ने किया जो कि बड़े ब्याज पर अशोक को पैसे दिया करता था। अच्छा, तो तविश का किडनैप रघु ने किया और 2 करोड़ यानी कि अशोक के पास हैं? हाँ, जो कि अंकल ने तविश को छुड़ाने के लिए रघु को दिए। पर हमारे पे सीसीटीवी में नजर कौन रखे हुए था? अशोक। अशोक ने अरुणा को एक लेटेस्ट पोस्ट सेंड किया था जिसमें उसने लिखा था कि हर वक्त मेरी नजर सिंधी पर ऑफिस में रहती है और तुम पर घर में। अच्छा, तो यानी कि उसने तुम्हारा भी इस्तेमाल किया और मेरा भी। रिया, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती थी और जब मुझे वो मैसेज आया ना तो मैंने तुमसे छुपाया था। ये देखो, देखो मुझे भी यही मैसेज आया, यानी कि हम दोनों को सेम मैसेज आया पर नाम अलग अलग आया। हाँ। अच्छा सिंपी, एक बार बता, तू तो अशोक को मुझसे ज्यादा जानती है ना, तुझे तो पता होगा कि अशोक कहाँ पर है। चले फिर। चल फिर। हाँ सर। काम हो गया? हाँ सर, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उसमें मैंने सारा कैश डिपॉजिट करवा दिया,
कल सुबह तक रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तुम्हारी नई आइडेंटिटी इस पासपोर्ट में है। ओके सर, बट सर इसमें मेरा नाम। इस पैकेट में तुम्हारे टिकट और पासपोर्ट है। ओके, तुम मेरे पास पहुँचो, हम फिर सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। अरुणा आ रही है, इस गाड़ी में बैठने जा रही है। रिया? हाँ। अरुणा यहीं पर आई है, हो सकता है अशोक भी यहीं पर हो। हाँ। अच्छा सुन, इंस्पेक्टर कब तक आएंगे? आते ही होंगे, जब तक हम चलते। सर हमारा प्लान कामयाब हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। सर मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, मैंने सारा सामान भी ले लिया है। ठीक कह रही हो स्वीट हार्ट। अरुणा मैंने भी तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत ख्वाब देखे हैं, खुल के जिंदगी जीना चाहता हूँ समझी, पर मेरी जिंदगी में अभी तीन कांटे हैं। कांटे? एक मेरी पत्नी रिया और दूसरी वो सिंपी और तीसरी पता है कौन? कौन सा? तुम। सर? तुम माय स्वीट हार्ट, तुम। सर आप क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सर सर आपने मुझे जैसे बोला मैंने बिल्कुल वैसे किया। इनफैक्ट आपने जो अकाउंट नंबर दिया था मैंने उसमें सारे पैसे भी डलवा दिए। बस अब तुम्हारा खेल खत्म, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इट्स सो सिंपल अरुणा, इट्स सो सिंपल। तुम्हें पता है मेरी पत्नी डमी है, डमी। तुम्हें पता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसके बाप का पैसा, समझी। और उस बिजनेस को संभालने के लिए मुझे इंटेलिजेंट औरत की जरूरत थी और वो थी सिंपी, जिसे मैंने अपने प्यार के नाटक में फंसाया, समझी। और उस फंड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे एक खूबसूरत बेवकूफ औरत की जरूरत थी, तब मुझे मिली तुम। उसके बाद मैंने अपने आप को गुमशुदा घोषित करवा दिया और सो ऑफिशियली मैंने अपने आप को जिंदा भी रखा। उसके बाद जब लोगों ने मुझे धमकी दी, मैंने अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। अब इसके बाद पुलिस यहाँ आएगी तो उसे मिलेगी तुम्हारी लाश, समझी तुम। तुम्हें कल अशोक को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि गलत महत्वाकांक्षा और लालच इंसान को कितना नीच बना सकते हैं। इस आदमी ने हर उस शख्स को धोखा दिया जो इसके करीब था। महिलाओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने वाले इस शातिर अपराधी ने अपनी ही हत्या का एक बेहद चौंकाने वाला प्लान रचा, लेकिन अब ये गिरफ्त में है। अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 363, आपराधिक षड्यंत्र के लिए 120B और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत इसे 16 साल तक की कैद हो सकती है। अशोक की पत्नी, उसके पिता, बेटा, सिंपी, अरुणा, ये सब लोग भरोसे और विश्वासघात के शिकार हुए। रिया तो मान ही चुकी थी कि उसका धोखेबाज पति मर चुका है, लेकिन शायद सिंपी अशोक को ज्यादा बेहतर समझती थी। पर आज उसी की वजह से ये फ्रॉड और बेहद ही घटिया आदमी सलाखों के पीछे है। अशोक ने सबको इस्तेमाल किया, वो तो देश से बाहर भागने की फिराक में था और जितने भी लोग उसके जाल में फंसे वो उसे जानते थे, लेकिन सवाल ये है कि उसे समझते कितने लोग थे। रिया जो कि उसकी पत्नी थी, उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति अवैध रिश्ते और भारी कर्जे के साथ जी रहा है। देखिए भरोसा अपनी जगह है, लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है उसके जीवन में क्या चल रहा है
ये जानना भी बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ साथ सजगता भी बरकरार रहनी चाहिए। सावधान इंडिया। तो सावधान।